हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब तो प्यारा जिहड़ा अपनी जिंदगी दा हिस्सा हुंदा है वह हुंदा है बचपन। और बचपन दीयां गल्लां जिहड़ियां वह हमेशा आपां नूं अपने ज़हन च ताज़ा रहिंदियां, आपां नूं याद रहिंदियां। ते किसे नूं जे तुसीं तंग करदे हो, बच्चे शरारती भी हुंदे है, पड़ाकू भी हुंदे है, कोई सुस्त भी हुंदे है, लेट लर्नर्स हुंदे है। इवें ही दो दोस्त सी, दोस्त तो नहीं कह सकते, क्लासमेट सी धीरेन ते आर्यन। आर्यन जिहड़ा बहुत इंटैलीजेंट सी, बहुत पढ़ाकू, हर काम पूरा करना है, बहुत ही वधिया जिवें स्टूडेंट हुंदे उवें सी। जिहड़ा धीरेन सी वह थोड़ा शरारती सी, थोड़ा कि बहुत ही शरारती सी। उन्हूं ऐं लगदा सी कि मेरे मार्क्स घट आउंदे आ, आर्यन फस्ट आउंदा, क्यों आउंदा है, भी इहनूं तंग करो किसे हिसाब नाल, इहनूं मतलब इहदे मार्क्स घट आउण या इह टीचर्स दी निगाह 'च डिग्गे या इहदे नाल इह तों कुछ भी गलत होवे। ते उन्हें हर मुनासिब कोशिश करनी कि उन्हूं नीवां दिखाया जा सके। टीचर्स कदे जिवें होमवर्क करके आया, उन्हें लगता सी होमवर्क की कॉपी गुम कर देनी उहदी क्लास चों, कि टीचर इहनूं डांटूगा कि कम नहीं कीता तूं। ते होया भी उवें, उन्हें जदों उहदा होमवर्क गुम करता ते टीचर ने नैचुरली कहना सी तेरा होमवर्क कित्थे है, एंड ही वॉज़ नॉट एबल टू फाइंड द नोटबुक इन द बैग, सो ही वॉज़ स्कोल्डेड बाय द टीचर। और धीरेन जिहड़ा सी बहुत खुश होया कि देखिया डांट पई, मज़ा आ गया, अज कोई एग्जाम्स होने हैं। उन्होंने लगता सी कि इस तो अगे मैं किवें निकला, वो हमेशा फस्ट आउंदा सी आर्यन। धीरेन दे दोस्त सी जिहड़े, फिर वो भी उहदे नाल लग के उन्हूं तंग करन लग गए, कदे कोई मुसीबत, कदे उहदा बैग लुको देना, कदे उहदा टिफिन खा लेना, कदे उहदे कोई होर बिना शरारत आप करनी नाम उहदा लगा देना। इस तरह जदों फाइनल एग्जाम्स आए तो उहदे फ्रेंड्स ने कोशिश करके जिहड़े एग्जामीनेशन पेपर सीगे, दो तीन पेपर जिहड़े मेन, उन्हूं लिया के दित्ते कि आही पेपर च आउणगे। तो वह बड़ा खुश कि चलो हुण धीरेन फस्ट नहीं आऊगा, मैं आऊँगा। उन्हें बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की, उन्हें उही पेपर आ गए, नैचुरली वह फस्ट आया क्लास चो जो रिजल्ट अनाउंस होया। तो धीरेन फस्ट आया, आर्यन नहीं आया जिहड़ा कि हमेशा आउंदा सी। आर्यन दुखी तो होया कि चलो मेरे मार्क्स घट आए, पर निराश नहीं होया, उन्हें लग्या कि चलो ठीक है, इन्हें मेहनत की, इन्हें मिले। वो गया उहदे धीरेन कोल आर्यन, तो उन्हें गले नाल ला के उन्हें वधाइयां दित्तियां, बड़ा खुश होया कि चल अगे तो होर मेहनत करें, होर मार्क्स आउण तो खुश रहे। तो धीरेन नूं लग्या कि मैं हमेशा इहनूं तंग करदा, तो इहने आके फिर भी मैनूं गले लगाया, मैनूं प्यार नाल मैनूं वधाइयां दित्तियां। तो किते ना किते उहदे अंदरों उहनूं लग्या कि मैं गलत कीता। जदों क्लास दे जदों क्लास टीचर्स आए, प्रिंसिपल आए, उन्होंने बच्चों जिहड़े सीगे फस्ट आए उन्होंने अगे बुलाया, उन्हां दी तारीफ करन लगे, तो धीरेन दीयां अखां च पानी आ गया। वो कहिंदा नहीं सर, मैं चीटिंग की है, मैं गलत करके फस्ट आया, एक्चुअली आर्यन ही फस्ट आया है। नाले उन्हें पता सी कि शायद जे मैं कहूँगा तो शायद मैं स्कूल चो कढ़ देन या मैं डिमोट कर देन, कुछ भी हो सकता सी, पर उन्हें फिर भी हौसला करके एक गल दसी कि मैं चीटिंग की, मैं फस्ट आया, सिर्फ आर्यन नीवा दिखाना चाहता सी। तो आर्यन लग्या कि नहीं नहीं कोई गल नहीं, आर्यन के कहने ही उन्होंने प्रिंसिपल ने टीचर्स ने माफ़ किया, तो दोबारा पेपर देने की उन्होंने इजाजत दी कि चलो कोई गल नहीं, गलती होंगी है। इस करके जो उत्थे फिर आर्यन ही फस्ट आया बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, राइट। सो अपन गलत काम करके, धोखा दे के, चोरी करके अगे जाना या किसी थले सिट के आप अगे लंघना, दैट इज़ नॉट द वे ऑफ लाइफ। जे तुसी अगे जाना है तो अपनी मेहनत नाल, अपनी ईमानदारी नाल अगे जाओ, तो उहदा तुहानू फल भी मिलता है। जे बुरा करोगे तो बुरा फल मिलना है, चंगा करोगे तो चंगा फल मिलना है। सो डोंट डू दैट, हमेशा ईमानदार रहने की कोशिश करो। बी हैप्पी, लेट अदर्स बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड ऑलवेज।